चलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और ग्राम पंचायत मोती कला के ग्राम सभा कटरा में माननीय विधायक जी पधारे हुए हैं और यहाँ पे विकास विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास खंड जागी ग्राम पंचायत मोती कला आज होने जा रही है। बने रहे ब्लॉग में अंत तक, देखें दिखाएंगे आपको भूमि परीक्षण प्रयोगशाला कुछ विज्ञानकों के द्वारा होगा। जनार्दन इधर देख, जनता जनार्दन यार भैया यार। और वो हमारे माननीय विधायक जी श्री राम नरेश अग्नोत्री जी। आजा 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 बेन, तो आंगुल पूछ क्या उनसे, सर से आप पूछ के है कि सर मैं अपने खेत की मिट्टी चेक करना चाहते हैं और का नहीं हुआ वे कहने भूमि परीक्षण प्रयोगशाला चल तो रहा है, चले पूछ रहे पूछ ले सर वो खेत की मिट्टी चेक हो जाएगी, मिट्टी चेक वो स्वास्थ्य विभाग वाले बैठे हुए और यहाँ पे पोस्टर तो वो लग रहा है कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन तो इनसे कि स्वास्थ्य वाले में बैठो ना, कोई लोग आ जाएंगे मिट्टी चेक करने के लिए, वो पोस्टर के नीचे बैठे हाँ बैठे हुए, पोस्टर गलत लगा दिया है पोस्टर गलत लग गए यार गाइज पोस्टर गलत लग गए, अब हेन पे कुछ मिट्टी चेक ना, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए हैं। जावर खान क्या कहना चाहते हो हम डाल देंगे क्या कहना चाह रहे हैं आज की मीटिंग को लेकर, जितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं सब कल मेरे दफ्तर में आए हैं लेफ्ट एनी का चल रहा है फोन फोन को मैच फोटो खींच रहे हैं भाई, फोटो नहीं खींच रहे वीडियो बना रहे हैं भाई, तुम भी आ जाना कल दफ्तर में कुछ सवेरे ही 7:30 बजे है पीछे बैठे यार इनकी वोट बहुत अच्छी आ रही वोट देख सही दिखाए सही दिखाए सही दिखाए बिल्कुल सैम देख चच्चा बब्बा है रे ड्रोन कैमरा खींच रहे ड्रोन कैमरा कहाँ पे है चलो मेरा कबो चलो के बंद चल ओए अरे यार मेरी कुर्सी किधर गायब कर दे यार, चल हम बैठे ही नहीं, हम तो वीडियो मैन है कैमरा मैन है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वाधान में विकासखंड जागीर के मोती कला मौजा में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और मैं सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन पांडे जी को आह्वान करूंगा एक माल्यार्पण कर मान विधायक जी का स्वागत सम्मान करें। उसके बाद गंगदासपुर मौजा के प्रधान जी हमारे जगमोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, आप लोग जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं ब्यूटी कला मौजा के प्रधान रत्नेश जी साथ से निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें और वीडियो जागी हमारे बीच उपस्थित है, हम चाहते हैं कि वो भी माल्यार्पण करके हमारे विधायक जी का स्वागत सम्मान समारोह तत्वाधान उनका स्वागत करें। इसी श्रृंखला में मैं ब्रजेश कुमार पांडे जी को आह्वान करना चाहता हूं, बहुत पूर्व प्रधान हमारे नीलेश चौहान जी भी आ जाए, वो भी
माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं श्री श्रृंखला में जितेंद्र चौहान जी से निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे प्रधान जी का स्वागत आप कर दें, हमारे ओझा के प्रधान जी उनका आप स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं अपने श्यामवीर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मिश्रा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। बॉबी मिश्रा जी का आप लोग जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते रहे इसी श्रृंखला में। अभी आगे आप भी विधायक जी का वहां मौजा पहाड़पुर मौजा के प्रधान जी का मानव रूप में स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र से निवेदन करेंगे कि वो भी आए और हमारे सेक्रेटरी जी का उनका करो सेक्रेटरी जी का मानव रूप स्वागत मिश्रा जी का कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं धर्मेंद्र चौहान जी से निवेदन करूंगा वो भी आए। मैं सिंह से निवेदन करेंगे आए और हमारे विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। राम दुलारे जी अनोखे लाल जी दोनों ही लोग आए। आज विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान समारोह करें। इसी श्रृंखला में हमारे राम लड़ाते सक्सेना जी और आप भी आ जाओ। राम भैया कमलेश जी डॉक्टर कमलेश जी और आपके साथी दोनों ही लोग आ जाए। दोनों ही लोग आ जाए जल्दी से फटाक से आ जाए जिससे कि कार्यक्रम अब शीघ्र आगे बढ़े। हमारे विधायक जी का मानव रत्न का स्वागत करें। आप लोग तालियां कमजोर ना पड़ने तालियां बजाते रहे। का जो कार्यक्रम है आयुष्मान कार्ड आता है आप लोग जोरदार तालियों के साथ जितेंद्र सिंह पिता रसाल सिंह यशपाल सिंह श्री फेरू सिंह ब्यूटी कला जागी अगर यहां है आए हर सेवक मान्य श्री सीताराम जी विधायक जी के द्वारा प्रमाण पत्र आपको दिया। अलाउद्दीन शेर खान आप भी आए। सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है आयुष्मान कार्ड की जिसके द्वारा आप 5 लाख का मुफ्त उपचार ले सकते हैं। जाविर खान है अलाउद्दीन साविर खान फोटो एक और संजीव कुमार महेंद्र ब्यूटी कला महेंद्र है आशा बेगम जी आए। हाँ जी सोनी लाल जी आशा बेगम विधायक जी से याद रहे गुट्टी देवी विधायक जी बहुत सुन लो जी गुट्टी देवी के क्या नाम
सरोजनी यहाँ आई है, सरोजनी अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आपका है, मैं तुम्हारे से गिरे, मैं तुम बता, चलो ठीक है, सरोजनी है नहीं है, चलो संदीप भी नहीं है, महेंद्र है, कोई बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आप हम सभी ग्रामवासियों को उद्बोधन करके कृतार्थ करें। बोले भारत माता की जय। बैठ जाओ भाई, बातचीत मत करो, बातें न करो आपस में। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके गांव व्यक्ति कला मजे में पधारी है। इस यात्रा में यहाँ मेरे साथ उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता बॉबी मिश्रा जी, हमारे ज्योति कला के बहुत ही सक्रिय प्रधान रत्नेश साख जी, वीडियो साहब, अन्य अधिकारीगण, गिरीश यादव जी और उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, विकसित संकल्प यात्रा विकसित संकल्प भारत यात्रा पूरे देश में चल रहे और इसका उद्देश्य जो प्रधानमंत्री जी का हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले 2047 तक जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 2047 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस 2047 तक पूर्णतः विकसित भारत हो, पूर्ण विकसित, गरीबी का नाम और निशान न हो, सब पढ़े लिखे हो, साक्षर हो, दवाई का इंतजाम हो, पढ़ाई का इंतजाम हो, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो, ऐसा भारत जिसमें सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी भी कार से जा सके, कार से आज अमेरिका में झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी जाता है तो कार से जाता है और झाड़ू लगाता है, फिर झाड़ू अपनी कार में रखता है और चला आता है, ऐसी संपन्नता। हवाई चप्पल पहनने वाला हमारा गरीब हवा हो, इसके लिए अनेकों योजनाएं, गरीबी से लड़ाई के लिए गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, सबको सहायता करने की तमाम योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार ने चलाई। आपने देखा कभी किसान सम्मान पत्र बांटे गए, जो किसान सम्मान निधि है 6,000 रुपया साल में 2,000 में आती है, 15 किस्तें आ चुकी हैं, 30,000 रुपया हर किसान के खाते में पहुंच गए भारत सरकार की।
और योजना चलती रहेगी, इसकी राशि जो है और बढ़ सकती है, घटेगी नहीं और बढ़ सकती है। आयुष्मान योजना जिसमें अभी कार्ड बांटे गए 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, भगवान न करे किसी गरीब के घर में बीमारी आ, लेकिन जब बीमारी आती है तो इलाज कराते कराते औरतों के जेवर जमीन लग जाते, यही नहीं रुकता है, जमीन बिकने तक की नौबत आ जाती है। हमारे प्रधानमंत्री खुद गरीब घर में पैदा हुए, चाय बेचने का काम किया, वो जानते हैं गरीब के दर्द को, कहते हैं जाके पावन फटी दिवाई धोखा जा जाती, वो गरीब के दर्द को जानते हर जगह आपका ये कार्ड मान्य होगा, हर जगह इसकी कार्ड के द्वारा आपका इलाज संभव होगा। उज्ज्वला योजना चलाई गई, हमारी माताओं बहनों को खाना बनाते समय धुएं से जो परेशानी होती थी, बहुत बार तो धुएं के कारण आंखें खराब हो जाती और तो कंडा लगा लकड़ी मिलते और नहीं, पेड़ों की कमी हो गई, जानवरों की कमी हो गई, इसलिए उज्ज्वला गैस योजना चला दी फ्री में, चूल्हा सिलेंडर रेगुलेटर फ्री में। अब तो नए कनेक्शन जो हो रहे उनमें 2 सिलेंडर दे रहे, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा सिलेंडर भराने के पैसे न हो तो छोटा भरा, 10 करोड़ परिवारों को मिल चुकी है 10 करोड़, अभी 10वें करोड़ परिवार को डबल स्पीड से काम कर रहे, बच्चों की पढ़ाई फ्री, जूता मोजा ड्रेस स्वेटर किताबें टाई लगाकर हमारा गरीब का बच्चा भी आज प्राइमरी स्कूल में, ये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, हैं? मैं आया था अंग्रेजी माध्यम में गांव के बच्चे को पढ़ाया, ताकि वो शहरों में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चों की बराबरी कर सके, गरीब का बच्चा भी पढ़कर डीएम और एसपी बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, वैज्ञानिक बन सके, पुलिस में भर्ती हो, सेना में भर्ती हो और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 1 शादी में 51,000 रुपए सरकार दे रही है, किसी गरीब के पास पैसा ना हो उसकी बेटी शादी को तो मेरे पास आ जाए, मैं फ्री शादी कराऊंगा बैंड बाजे के साथ और 35,000 रुपए लड़की के खाते में जमा हो, 35,000 रुपए लड़की खाते में और 10,000 रुपए का सामान सहे, 10,000 6,000 रुपए बरातियों के खाने पीने में बैंड बाजे के साथ शादी दिए। विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे, हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जिला हटे हुए हम शपथ लेते हैं कि
देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों के प्रति वीरों को वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा सम्मान सो गाइज, यहाँ से माननीय विधायक जी की गाड़ी रवाना हो चुकी है और हम अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस सपोर्ट बनाए रखें और भाइयों के पास शेयर करें। इसी प्रकार के ब्लॉग आते रहेंगे। जय हिंद।